दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सीएम यादव, स्वागत करते हैं आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं गठिया के बारे में, जिससे कि कोई ना कोई कभी ना कभी, खासकर जिनका भी एज 50, 60, 70 हो चुका है, उनके एज ग्रुप में ये बीमारी लगभग कॉमन हो गई है। इसे गाउट भी बोला जाता है मेडिकल टर्म में। आज हम लोग इसके पूरे डिटेल जानेंगे कि इसका कारण क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन आप करवा सकते हैं और इसमें मेडिसिन आप कौन सा यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाउट। आम भाषा में इसे गठिया बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी गाउट जिसे बोलते हैं, एक सेकेंडरी गाउट होता है। प्राइमरी गाउट 90% केसेस में होता है, जो कि सडन अटैक होता है। ये पहले से नहीं होता है, ये सिम्टोमेटिक होता है, बट ये सडन अटैक होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी गाउट की बात करते हैं, जो कि 10% ही केसेस में होते हैं। अच्छा, प्राइमरी गाउट जो 90% हो रहे हैं, उसके अंदर क्या कारण है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंजाइम डिफेक्ट, यानी जो भी यूरिक एसिड बन रहा है वहाँ पे एंजाइम अगर डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन या तो बढ़ जाता है या फिर एस्क्रीशन जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब यूरिक एसिड प्रोडक्शन है, अगर वो बढ़ चुका है और एस्क्रीशन यानी पेशाब के थ्रू यूरिक एसिड निकलना अगर कम हो गया है, तो वो यूरिक एसिड आपके ब्लड में जाता है, वहाँ पर जाके धीरे धीरे जो जॉइंट्स है वहाँ पर एक्युमुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है लेकिन जो उसका एस्क्रीशन है वो पूरी तरीके से रुकना शुरू हो गया है। अच्छा, ये तो बात हो गई है प्राइमरी गाउट की, जो कि 90% केसेस में होते हैं। अगर सेकेंडरी गाउट, जिसको कि क्रोनिक गाउट भी बोला जा सकता है, ये 10% केसेस में होते हैं। इसका कारण क्या होता है, एक तो ये कंजेनाइटल हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जो भी पेशेंट हो पहले से ही किडनी, कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा हो। जिस अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी गाउट की, जो कि लगभग 10% केसेस में होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड का जो टर्नओवर है ये बढ़ जाता है। दूसरा ये कि कंजेनाइटल भी हो सकता है, और थर्ड ये हो सकता है कि क्रोनिक रीनल डिजीज, यानी पहले से ही कोई भी लॉन्ग टर्म्स का किडनी का प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर हो सकता है। अच्छा, अब ये सबका कारण क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी आपका ब्लड है उसके अंदर जो प्लाज्मा इसका वैल्यू है, अगर 6.8 mg पर dl से ज़्यादा होना शुरू हो गया है, तो आपके अंदर गठिया होने का चांसेस बढ़ चुका है। इसमें एक पहला कॉज यानी इसका जो पैथोजेनेसिस है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी जेनेटिक कारण इसमें हो सकता है। दूसरा, इसमें हैवी अल्कोहल कंसप्शन, यानी बहुत ज़्यादा व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। थर्ड, इसमें ओबेज हो सकता है, यानी मोटापा हो सकता है, या फिर ड्रग्स यानी जैसे थायराइड वगैरह कोई ऐसा ड्रग्स हम लोग ले रहे हैं जिससे कि एस्क्रीशन ऑफ यूरेट या यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका साइन सिम्टम, यानी जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सा साइन और सिम्टम इसका शो होगा। पहला तो ये हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी 10 साल 15 साल बाद ही उसके अंदर कोई इसका लक्षण आना शुरू हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक हो यानी उसको हो लेकिन उसको पता ही ना चल रहा हो। दूसरा इसमें है कि जो भी आपका टो यानी जो अंगूठा है पैर का, खासकर पहला अटैक वहाँ पर भी शुरू हो सकता है। खासकर केसेस में जो प्राइमरी गाउट होता है, अटैक पहले ही जॉइंट्स पे यानी टो में होता है, तो अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गया है या फिर पेन इन द जॉइंट यानी जॉइंट में पेन होना, स्वेलिंग होना शुरू हो गया है, तब वहाँ पे एज अ गाउट केवल केवल अगर आपके टो यानी आपके जो भी जितने भी ये जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर शुरू हो गया है, तो वहाँ पे गाउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। देखिए क्रोनिक कॉज क्या हो सकता है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन, या इसको कहते हैं कि गाउटी टॉफस, टॉफस यानी एक टॉफी लाइक जैसा यहाँ पे बनना शुरू हो सकता है। ये आपका क्रोनिक जब पुरानी डिजीज हो जाती है तब वहाँ पे ये शो होता है, उसमें नीडी लाइक क्रिस्टल लाइक शेप्स आ जाते हैं यूरेट के, वो वहाँ पे एक्युमुलेट यानी जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन का कॉज शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वगैरह जितने भी हम लोग के फेगोसाइटिक सेल्स हैं वहाँ पे एक्युमुलेशन उनका शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे पेन या फिर इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ये सब जॉइंट्स के अंदर
शुरू हो जाते हैं। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करा सकते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन तो आपका एक्सरे ही होना चाहिए, पहला इन्वेस्टिगेशन एक्सरे। दूसरा इसमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको कहते हैं, उसमें हम CBC कर सकते हैं। थर्ड इसमें ESR यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, या फिर आप CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लामेशन को शो करता है, ये भी कराते हैं। फिर लास्ट में हम लोग इसमें ब्लड यूरेट लेवल भी करवाते हैं। कभी कभी हम लोग जो फ्लूड का एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है तो उसे हम लोग बाहर ले जा कर के बायोकेमिस्ट्री लैब में उसका एनालिसिस कराते हैं कि कैसा क्या निडिरोडिल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है कि नहीं गाउट के अंदर। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो कि सबसे लास्ट है कि ट्रीटमेंट, अब पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या है। देखिए प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। प्राइमरी गाउट है ठीक है, शुरुआत में हो गया है, उसके बाद 15 से 20 साल के बाद कहीं जा कर के वो, या हो सकता है किसी के अंदर 10 साल बाद जा कर के वो क्रोनिक गाउट के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर प्राइमरी गाउट अगर एकाएक किसी को एक्यूट गाउट हो चुका है तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग प्रोटीन की मात्रा है उसको रेगुलेट करना शुरू करते हैं, यानी जो भी आपका यूरिन ओरिन का फॉर्म, यूरिन के अंदर जो भी यूरेट वगैरह निकल रहा है, यूरिक एसिड है, तो उसके लिए प्रोटीन ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन ज़्यादा। तो उसमें हम लोग रेड मीट हो गया है, प्रोटीन हो गया, जितने भी प्रोटीन वाले आप सब्सटेंस जो भी ले रहे हैं उसको आप डाइट के अंदर कम करते हैं। लिक्विड आप टेक करना यानी लिक्विड का सेवन करना, इसका फॉर्मेशन लिक्विड का सेवन करना, साथ में आप कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं मेडिसिंस की, तो इसमें मेडिसिंस आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जनरल चलता है जिसमें प्रेडनिसोलोन वगैरह आते हैं, फिर इसमें NSAID है जिसमें डाइक्लोफिनेक है, या फिर बुरफेन वगैरह, ये सब आप जो भी पेन किलर्स हैं उसके अनुसार, अगर आपको अल्सर उल्सर नहीं है तो इसमें हम लोग COX-2 सेकेंड इनहिबिटर्स वगैरह भी। फिर एक और आता है जिसमें कॉल्चिसिन आता है, एक टैबलेट कॉल्चिसिन, तो उसे हम लोग लेते हैं। ये तो एक्यूट गाउट है उसकी मेडिसिंस की बात हो गई है। अब हम लोग क्रोनिक गाउट है जिसे हाइपरयूरेमिया भी बोलते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग दो मेडिसिंस खासकर, एक तो एक्सक्रीशन जो बाहर कर दे और जो सिंथेसिस हो रहा है यूरिक एसिड का उसको लो कर दे, ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें एलोपीरिनॉल यूरेट सिंथेसिस इनहिबिटर है, एलोपीरिनॉल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, और प्रोबिनिसिड यानी इसका भी साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी चलता है, और NSAID। कभी कभी इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा, जो एज जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनके अंदर हम लोग कभी ज्वाइंट के अंदर डायरेक्ट ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग बाय इंजेक्शन देते हैं जिससे कि उनको रिलीफ होता है। तो आज ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, साथ में इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दोस्तों ज़रूर करें, जितना इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, साथ में कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।